व्हाट इज अप फैंटास्टिक स्क्वाड, क्या हाल चाल। तो फाइनली मैं वापस आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो लेकर दो हफ्तों के बाद। तो मैंने देखा है गेम के अंदर कि जो बंदे मुंबई खेलते हैं उनको ये नहीं पता है कि आप मुंबई के अंदर अपने टीममेट्स को रिकॉल कर सकते हो। इवन ये तो नए बंदे तो हैं ही जिनको नहीं पता है, लेकिन कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो पुराने हैं लेकिन उनको भी शायद नहीं पता है कि आप अपने टीममेट्स को मुंबई मैप में रिकॉल कर सकते हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी कोई एनिमी के द्वारा एलिमिनेट होता है तो वो सीधे मैच से एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आप अपने या आपके टीममेट जो है वो आपको रिकॉल कर सकते हैं मुंबई मैप में, या फिर आप अपने टीममेट को रिकॉल कर सकते हो मुंबई मैप में। तो इस वीडियो में मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने टीममेट्स को रिकॉल कर सकते हो, ताकि आप आगे चल के अगर आप मुंबई मैप खेलते हो एंड आप उसमें एलिमिनेट हो जाते हो या आपको कोई टीममेट एलिमिनेट हो जाता है तो आप जाके उनको रिवाइव बोले तो रिकॉल कर सकते हो। अपने टीममेट को रिकॉल करने के लिए आपको चाहिए रिकॉल कार्ड, एंड वो कैसे मिलेगा, वो आपको मिलेगा ड्रॉप को लूट के। तो जैसे ही आप ड्रॉप लूटोगे तो वहाँ पे आपको एक रिवाइवल कार्ड या रिकॉल कार्ड करके एक कार्ड टाइप का देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप का होगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बस इस कार्ड को आपको अपने पास रख लेना है, एंड जैसे ही अगर आपके टीममेट आप स्क्वाड खेल रहे हो आपके टीममेट में से किसी एक ने भी अगर ड्रॉप को लूटा है उसके बाद रिवाइवल कार्ड आ गया, तो दैट मींस आपकी पूरी टीम के पास वो रिवाइवल कार्ड आ चुका है। तो आपने ड्रॉप लूटा और आपको रिवाइवल कार्ड मिल गया, लेकिन आपके टीममेट्स को कैसे पता चलेगा, क्या इंडिकेटर है जो कि इंडिकेट करे कि भाई आपके पास या आपकी टीम के पास रिवाइवल कार्ड आ चुका है। ऊपर टॉप में लेफ्ट की तरफ जहाँ पे आपके स्क्वाड के नेम होते हैं वहाँ पर, वहीं पर उनके नेम के आगे जस्ट एक येलो कलर का कार्ड टाइप का देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ऊपर लेफ्ट साइड में टॉप पे येलो कलर का कार्ड तो आपको देखने को मिल रहा है, वो इंडिकेटर है या इंडिकेट करता है कि आपके पास रिवाइवल कार्ड आ चुका है। एंड जब आप किसी अपने टीममेट को रिवाइव कर दोगे या बोले तो रिकॉल कर दोगे तो उस कार्ड का जो येलो अभी येलो है वो हो जाएगा वाइट कलर, दैट मीन जो कि इंडिकेट करेगा कि आपने ऑलरेडी अपने उस पर्टिकुलर टीममेट को रिकॉल कर दिया गया है एंड अब वो फर्दर रिकॉल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें आप एक ही बार रिकॉल कर सकते हो, उसके बाद रिकॉल नहीं कर सकते। तो ये तो था कि भाई आपको रिकॉल कार्ड जो है वो कैसे मिलेगा, कहाँ से प्राप्त करोगे। सो अब बात करते हैं कि आप अपने टीममेट को रिकॉल कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको अपना मिनी मैप ओपन करना है। मिनी मैप में आपको जहाँ जहाँ रेड कलर के हार्ट देखने को मिलेंगे वो इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे आपका जो रिकॉल मशीन है वो रखी गई है। तो आपको पहले मैप में चेक करना है कि कहाँ पे वो हार्ट है, आप उसके जो भी लोकेशन पे है वहाँ आप जाइए, वहाँ पे आपको एक मशीन करके देखने को मिलेगी। एंड मशीन के पास जाने के बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, मशीन के पास जैसे ही जाओगे वहाँ पे आपके जो भी जो टीममेट हैं वो एलिमिनेट हो चुके होंगे उनके नाम आ जाएंगे, जो कि अभी तक रिवाइव नहीं हुए बोले तो रिकॉल नहीं हुए उनके नाम शो करेंगे। एंड जैसे नाम शो करेंगे उनके नाम के जस्ट नीचे एक रिवाइव करके एक बटन आएगा, उस पर टैप करो, एक बार चलेगा पूरा, जैसे ही वो 100% कंप्लीट हो जाएगा तो आपके जो टीममेट है वो रिकॉल हो जाएंगे। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि आप अपने टीममेट को मुंबई मैप में कैसे रिकॉल कर सकते हो। तो अब आप अगर आप मुंबई मैप खेलते हो तो और आप एलिमिनेट हो जाते हो तो एलिमिनेट होने के बाद सीधे गेम से एग्जिट मत करना, थोड़ा वेट करना, आपके जो टीममेट हैं वो आपको रिकॉल कर देंगे। आई होप आपका आज की वीडियो चली होगी, और यार ऐसे ही वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और किसी दूसरे टॉपिक पे जो आपको गेम में समझ नहीं आए उसके रिगार्डिंग अगर आप वीडियो चाहते हो तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बना के आपको बता दूंगा। आई होप आपको आज की वीडियो चली होगी। आज के लिए पसंद कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट योर फैंटास्टिक फैंटास्टिक एंड आई एम शुभ फैंटास्टिक। चलो बाय बाय।